आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं विभा चतुर्वेदी। आज हम जानेंगे पौष्टिक लड्डू कैसे बनाएं। आए जानते हैं कैसे बनाएं। सबसे पहले सामग्री में होगा गेहूं का आटा, मूंगफली, मरुआ, गुड़, उसना चावल, काला तिल, दूध पाउडर, घी, ये सब सामग्री रहेगा। हम बनाना सीखेंगे जे इसको हम लड्डू कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले हम गेहूँ को चुनकर साफ कर लेंगे। उसके बाद हम रात भर भिगोने के लिए पानी में डालेंगे। जब गेहूं सुबह में फूल जाए तो उसको अंकुरित होने तक छोड़ेंगे। जब गेहूं अंकुरित हो जाए तो उसको निकालकर हम छान लेंगे और धूप में अच्छी तरह सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसको हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। जब अच्छा से भून जाए तो उसको हम चूरन तैयार करेंगे, जैसे आटा हम पीस लेंगे। उसके बाद मड़ुआ है, मड़ुआ को भी हम 24 घंटा तक पानी में भिगो कर रखेंगे। उसको भी हम सुखा कर भूनेंगे। मूंगफली हुआ, उसको भूनेंगे। सब सामग्री को मतलब हम भून लेंगे और भून कर उस सारा सामग्री को एक साथ पीस लेंगे। पीसने के बाद हम घी डालेंगे। घी में सारा सामग्री ऐड करेंगे। अच्छी तरह उसको हम भून लेंगे। भून कर निकाल लेंगे और गुड़ का चाशनी बनाएंगे। गुड़ का जब चाशनी तैयार हो जाए तो सारा सामग्री को उसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद हम छोटे छोटे आकार में लड्डू बनाएंगे। बहुत ही पौष्टिक और सुंदर लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। बिना छिलके वाले मूंग दाल को जरूर रखेंगे। जैसे हम लोग मकर संक्रांति में कसार जो बनाते हैं, उसी तरह हम चाशनी करके ये सारा सामग्री को तैयार करके वैसा ही चाशनी बनाकर हम लड्डू का आकार। लड्डू बनाने वक्त व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना है। भोजन पकाने वाला स्थान, उपयोग में आने वाले बर्तन इत्यादि साफ सफाई पर ध्यान दें। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए लड्डू बनाते समय अलग अलग कार्यों को विभाजित करें। ध्यान रहे लड्डू बनाते समय आपका सिर ढका हो और मास्क का प्रयोग करें। बार बार हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें ताकि बच्चों में कोई इन्फेक्शन ना हो। लड्डू जैसे हम लोग बनाए हैं उसमें मूंगफली है, काला तिल है, मूंग दाल है, ये सारा सामग्री है। उससे बच्चों में कुपोषण दूर होगा। पौष्टिक चीज़ है, वो खाने से मिलेगा, बच्चा हृष्ट पुष्ट होगा, कुपोषण मुक्त होगा। तो बच्चे को अपने घर पर जो भी अनाज है, अगर हम चाहें तो कोई भी अनाज का पोषण युक्त हम सामान तैयार कर सकते हैं। तो बच्चे को पोषण के लिए लड्डू बहुत ही कारगर है। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन हर चीज़ प्रचुर मात्रा में मिलेगा। आप बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आप भी बनाइए, बच्चे को खिलाइए या पूरा फैमिली के साथ खाइए। बच्चों के लिए सुपाच्य और रुचिपूर्ण यह लड्डू होगा। पहले हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्म पका हुआ भोजन देते थे, जैसे खिचड़ी, पुलाव, दलिया, हलवा, रसियाव, ये सब था। अब आ गया पौष्टिक लड्डू। अब हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर पौष्टिक लड्डू ऐड करेंगे और हम लोग लड्डू बनाए हैं। आप लोग वीडियो में देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना ही तक, धन्यवाद। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं आंगनबाड़ी में दी जाने वाली पौष्टिक लड्डू हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हम गेहूं को अच्छी तरह धोकर रात भर के लिए भिगा देंगे, जो अच्छी तरह फूल जाए। सुबह में उसको अंकुरित होने तक देखेंगे। अंकुरित हो जाए तो गेहूं को हम अच्छी तरह सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम पिसवाएंगे। उसके बाद में हम 24 घंटा के लिए मड़ुआ डालेंगे फूलने के लिए। और ये सब सामग्री जैसे हम रखे हैं, काला तिल है, उसना चावल, मूँगफली, पाउडर वाला दूध, बिना छिलके वाला दाल और गुड़, और डालने के लिए घी। सबसे पहले हम क्या किए हैं, आटे को भून कर चूर्ण बना लिए हैं। काला जो तिल है इसको भी हम भून लिए हैं, उसना चावल इसको भी भून लिए हैं, बादाम भुने हैं, मड़ुआ भून लिए हैं, दाल भी भून लिए हैं। अब भुना हुआ सामग्री को हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक, लड्डू बनाने के लिए सारा सामग्री तैयार कर चुके हैं, जिसमें सामग्री में गेहूं का आटा, मूंग दाल, मूंगफली, मड़ुआ, गुड़, उसना चावल, काला तिल, दूध पाउडर और घी। तो हम सबसे पहले भूनकर काला तिल, मड़ुआ, आटा, ये सारे सामग्री को हम ग्राइंड कर चुके हैं। अब चलते हैं हलवा बनाने के लिए कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। अब इसमें भुना हुआ सारा सामग्री डालेंगे। भुना हुआ गेहूं का चूर्ण है,
मूंग दाल है भुना हुआ, मड़ुआ आटा है भुना हुआ, मूंगफली है भुना हुआ, चावल आटा है भुना हुआ, उसना चावल, दूध पाउडर है, आप चाहे तो खोआ बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। सारा सामग्री को हम धीरे धीरे चलाएंगे ब्राउन होने तक। भुना हुआ तिल है जो हम पीस लिए हैं, अब इसमें भी यह भी डाल दिए। अब इसे धीरे धीरे ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। जब ये अच्छी तरह भुना जाएगा तो हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और गुड़ को चाशनी के लिए चढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर मेरा ये सारा सामग्री भुना गया, भुना कर एकदम ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस बनाएंगे और चाशनी तैयार करेंगे। अब हम गैस बंद कर रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए हम गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी में हम गुड़ डालेंगे। जैसे हम लोग मकर संक्रांति में कसार जो बनाते हैं, ऐसा ही हम पौष्टिक लड्डू बनाएंगे। चाशनी तैयार होने में अभी 15 मिनट समय है, तब तक के लिए मीठा गल रहा है। मेरा चाशनी बनकर तैयार है। अब इसमें सारा सामग्री को डाल देंगे, डालकर अच्छी तरह हम मिला लेंगे। अच्छी तरह जब मिल जाए उसके बाद में हम छोटे छोटे आकार में लड्डू बना लेंगे। मेरा पौष्टिक लड्डू का सारा सामग्री चाशनी में मिल चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और कढ़ाई नीचे करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम छोटे छोटे आकार में लड्डू बना लेंगे। लड्डू मेरा बनकर तैयार है। छोटे छोटे आकार में हम सारे लड्डू बना लिए हैं। लड्डू बनाने वक्त साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देना है। व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें। भोजन पकाने वाला स्थान उपयोगी में साफ सफाई रखें। बर्तन भी साफ सुथरा रखें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लड्डू बनाते समय अलग अलग कार्यों का विभाजित करें। ध्यान रहे लड्डू बनाते समय आपका सिर ढका हो और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बार बार हाथ साबुन से 30 सेकंड तक धोएं और सैनिटाइज करें। बस इतना ही मेरा लड्डू बनाने का सवाल था। लड्डू मेरा बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट हुआ है। आप डिब्बा बंद डब्बे में रख सकते हैं। एक सप्ताह तक ये सुरक्षित और सुंदर रहेगा। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार है। आप भी बनाएं, बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। धन्यवाद।